अस्सलामु अलैकुम, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज़ हैं और इन्हें थॉरली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो द पोएम द पैट्रियट इज रिटन बाय अल्फर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन डन या मैथ्यू आर्नर। तो ये चारों ऑप्शन हमारे पास चार पोइट्स के हैं, मतलब ये चारों के चारों पोइट्स हैं, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। ये पोइम जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, जो कि एक इंग्लिश पोइट है, और उनके ये जो पोइम है द पैट्रियट 6 स्टैंजास पे बेस्ड है, और ये एक ट्रेजिक टेल है जिसमें आयरनी को यूज़ किया गया है। सेकेंड एम सी क्यूज इज हु रोड द टेम्पस्ट, तो टेम्पस्ट किसने लिखा, टेम्पस्ट जो है वो एक प्ले है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ, बेन जॉनसन, टेनिसन और विलियम शेक्सपियर, ये चारों के चारों पोइट हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन जो हैं वो प्ले राइट्स भी हैं, तो इन दोनों में राइट ऑप्शन हो सकता है। तो द टेम्पस्ट जो है बहुत ही फेमस जो है प्ले है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है विच बुक इज अ ट्रेजेडी, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हैमलेट, मैयर फार मैयर, एज यू लाइक इट, शी स्टूप्स टू कंकर। तो ये चारों के चारों प्ले हैं, लेकिन हमें बताना है कि इनमें से ट्रेजेडी कौन सी है। तो तीन प्ले जो हैं हैमलेट, मैयर फार मैयर और एज यू लाइक इट शेक्सपियर ने लिखे हैं, और शी स्टूप्स टू कंकर गोल्ड स्मिथ ने लिखा है। तो शी स्टूप्स टू कंकर गोल्ड स्मिथ की एक कॉमेडी है, ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो वो तीनों की बात करते हैं, हैमलेट, मैयर फार मैयर और एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट शेक्सपियर की बहुत अच्छी जो है एक कॉमेडी है, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। अब मैयर फार मैयर जो है वो एक डार्क कॉमेडी है, इसे प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास बच जाता है हैमलेट, तो हैमलेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द मर्चेंट ऑफ वीनस रिटन बाय शेक्सपियर इज, तो हमारे पास चार ऑप्शंस मौजूद हैं, हमने बताना है कि मर्चेंट ऑफ वीनस क्या है, नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है, पोइम है या ड्रामा है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि शेक्सपियर कौन है, शेक्सपियर एक पोइट है और एक ड्रामाटिस्ट है, तो या तो उसने कोई पोइम लिखी होगी या कोई ड्रामा लिखा होगा या सोनेट्स भी वो लिखता है, तो नॉवल या शॉर्ट स्टोरी तो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मर्चेंट ऑफ वीनस जो है शेक्सपियर का एक ड्रामा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है फेरी क्वीन इज, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, एपिक पोइम है या नॉवल है। तो फेरी क्वीन एडमिन स्पेंसर ने लिखी है, जो कि एक एपिक पोइम है, और ये टोटल 6 बुक्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रेवोल्यूशनरी पोइट, चार ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, जॉन कीट्स, पी बी शैले, एस टी कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। ये चारों रोमांटिक पोइट्स हैं, एस टी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ अर्ली रोमांटिक पोइट में आते हैं, और जॉन कीट्स और पी बी शैले लेटर रोमांटिक पोइट्स में आते हैं, लेकिन इन सब में पी बी शैले जो है वो एक रेवोल्यूशनरी पोइट थे। अब क्यों इन्हें रेवोल्यूशनरी पोइट कहा जाता है, क्योंकि अपने दौर की वैल्यूज और पॉलिटिक्स के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी, और यूनिवर्सिटी टाइम पे तो इन्होंने एक पैम्फलेट भी लिखा था, जिसकी वजह से इसे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था। तो ही इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशनरी पोइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ नॉवल रिटन बाय, चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, चारों नॉवलिस्ट हैं, चार्ल्स डिकल्स, थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन और हेनरी फील्डिंग। तो जेन ऑस्टन तो हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने 6 नॉवल्स लिखे हैं और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस उनमें से नहीं है। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के राइटर का नाम चार्ल्स डिकन्स है, ये चार्ल्स डिकन्स ने लिखे हैं, और ये चार्ल्स डिकन्स का डेविड कॉपरफील्ड के बाद सेकेंड नॉवल ऐसा है जिसमें फर्स्ट पर्सन नैरेटर यूज़ किया गया है, और ये एक ऑर्फन चाइल्ड के गिर्द इसकी स्टोरी घूमती है, जिसका नाम पिप है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज पैराडाइज लॉस्ट इज, चार ऑप्शन है, एन एपिक है, हिस्टोरिकल वर्क है, ट्रेजेडी है या बैलेड है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखी है, जो कि 12 बुक्स पर मुश्तमिल है, और जो एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है उसे एपिक पोइम कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन इज पैराडाइज लॉस्ट इज इन एपिक पोइम। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु रोट मैडम बॉवरे, मैडम बॉवरे
किसने लिखा है? लियो टॉल्स्टे, जेम्स जॉयस, ई एम फॉस्टर, गस्टेव फ्लॉबर्ट। तो लियो टॉल्स्टे और ई एम फॉस्टर जो हैं नॉवलिस्ट हैं, जेम्स जॉयस नॉवलिस्ट और पोइट हैं, और गस्टेव फ्लॉबर्ट भी नॉवलिस्ट हैं। तो मैडम बॉवरे जो है गस्टेव फ्लॉबर्ट ने लिखा है, जो कि एक नॉवल है और ये 19th century का बहुत ही फेमस नावल है, जो कि अपनी फ्रेंच रियलिज्म की वजह से बहुत मशहूर है, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं जो कि अपनी लापरवाही की वजह से दौलत बहुत ज़्यादा खर्च कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा कर्ज का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द पोइम आइल ऑफ इनिसफ्री इज रिटन बाय, तो राइट ऑप्शन है W.B. Yeats। ये इसे 1888 में लिखा गया और 1890 में इसे पब्लिश किया गया, जो कि 12 लाइंस पर बेस्ड है और इसमें 3 क्वाड्रेंट्स हैं। सो राइट ऑप्शन इज W.B. Yeats इज राइटर ऑफ द पोइम आइल ऑफ इनिसफ्री। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, ओथेलो इज अ शेक्सपियर्स प्ले अबाउट, जो शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले ओथेलो है वो किस बारे में है? फर्स्ट ऑप्शन है अ ज्यू यानी कि यहूदी के बारे में है, नंबर बी इज अ टर्क यानी कि तुर्की में रहने वाले आदमी के बारे में है, और रोमन यानी कि रोम में रहने वाले बाशिंदे के बारे में है, या अमोर। तो राइट ऑप्शन जो है वो अमोर है, क्योंकि ये एक हबशी के बारे में है और मोर का मतलब होता है हबशी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय जेम्स जॉयस, अर्थर मिलर, सैमुअल बेकेट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो जेम्स जॉयस जो है वो पोइट और नॉवलिस्ट हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। अर्थर मिलर हैं अमेरिकन प्ले राइट, और सैमुअल बेकेट और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरिश प्ले राइट हैं। अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। ये आर्म्स एंड द मैन जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, जिसका टाइटल वर्जिल्स की एनियट से लिया गया है और इसे 1898 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द लॉर्ड ऑफ द रिंग इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, रोनाल्ड रियल टॉल्किन, टेनिसन या नन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन रोनाल्ड रियल टॉल्किन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है क्या। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है वो एक नॉवल है जिसे रोनाल्ड रियल टॉल्किन ने लिखा है और इसे 1954 में पब्लिश किया गया। ये एक हाई फैंटेसी नॉवल है, और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो नॉवल है वो टोटल 6 बुक्स पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इज एन एसे रिटन बाय, चार ऑप्शन है थॉमस हार्डी, T.S. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ एंड थॉमस कार्लाइल। अच्छा, वर्जीनिया वुल्फ नॉवलिस्ट हैं तो ये राइट ऑप्शन नहीं है, और थॉमस हार्डी भी नॉवलिस्ट हैं, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। T.S. एलियट और थॉमस कार्लाइल जो हैं वो एसिस्ट और हिस्टोरियन हैं। T.S. एलियट जो है वो एसिस्ट भी हैं, क्रिटिक भी हैं और पोइट भी हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो T.S. एलियट है। T.S. एलियट का ये बहुत ही फेमस ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट ऐसे है, जिसे द ईगोइस्ट नामी लिटरेरी मैगजीन में 1919 को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले राइट, तो हमने प्ले राइट यानी कि ड्रामाटिस्ट जो ड्रामास लिखते हैं वो बताना है। अब चार्ल्स डिकन्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जीबी शाह और W.B. Yeats, ये चार ऑप्शन है, जिनमें चार्ल्स डिकन्स जो हैं वो नॉवलिस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और W.B. Yeats जो हैं वो पोइट है, तो जीबी शाह आखिर में ऑप्शन बच जाता है। सो जीबी शाह इज अ राइट आंसर, ही इज अ प्ले राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है टू द लाइट हाउस एंड अ रोम ऑफ वंस ओन रिटन बाय, अब ये दोनों वर्क्स किस राइटर के हैं? वर्जीनिया वुल्फ, शार्लट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे। एमिली ब्रॉन्टे और शार्लट ब्रॉन्टे जो दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों वर्क्स इन दोनों बहनों के नहीं है, तो एंड पे हमारे पास नाम बच जाता है वर्जीनिया वुल्फ का। सो टू द लाइट हाउस एक नॉवल है जिसे 1927 में पब्लिश किया गया, और अ रोम ऑफ वंस ओन एक ऐसे है जिसे 1929 में पब्लिश कराया गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु इज अ मॉडर्न ऑथर, इनमें से मॉडर्न ऑथर कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो, चार्ल्स डिकन, चौसर या जोसेफ कॉनवर्ट। तो जोसेफ कॉनवर्ट जो है मॉडर्न ऑथर हैं, क्योंकि वो 1857 में पैदा हुए। अब क्रिस्टोफर मार्लो की डेट ऑफ बर्थ है 1514, जो कि रेनेसां पीरियड या एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करते हैं। चार्ल्स डिकन 1812 और चौसर 1340। तो चौसर भी क्लासिकल राइटर हैं, सो राइट ऑप्शन इज जोसेफ कॉनवर्ट। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है द पोइम सेकंड कमिंग इज रिटन बाय W.B. Yeats, T.S. एलियट, ऑर्डन और फ्रॉस्ट। ये चारों के चारों पोइट हैं, लेकिन ये
पोइम जो है वो डब्ल्यू बी यीट्स ने लिखी है और इसे 1920 में पब्लिश कराया। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ इज रिटन बाय डब्ल्यू बी यीट्स, टी एस एलियट, फ्रॉस्ट या ऑर्डन। तो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ जो है वो ओपनिंग लाइन्स हैं एक बहुत ही फेमस पोइम की द वेस्ट लैंड, जिसे 1922 में पब्लिश किया गया। तो द वेस्ट लैंड जो कि फेमस पोइम है वो किसने लिखी है, वो टी एस एलियट ने लिखी है। सो द राइट ऑप्शन इज टी एस एलियट। नेक्स्ट एम सी क्यूज इज सीजर एंड क्लियोपेट्रा इज रिटन बाय, तो सीजर एंड क्लियोपेट्रा जो है एक प्ले है जो कि जी बी शाह ने लिखा है और इसे 1898 में लिखा गया और 1899 में पब्लिश किया गया। जेम्स जॉयस नॉवलिस्ट और पोइट हैं और जोसेफ कॉनवर्ड और ई एम फॉस्टर जो हैं वो नॉवलिस्ट हैं। सो द राइट ऑप्शन इज जी बी शाह। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, अडेला इज अ कैरेक्टर इन द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया रिटन बाय। अडेला एक वेमेन का कैरेक्टर है जो कि अ पैसेज टू इंडिया से लिया गया है। अब अ पैसेज टू इंडिया लिखा किसने है, अ पैसेज टू इंडिया एक नॉवल है जो कि ई एम फॉस्टर ने लिखा है, जिसे 1924 में लिखा और पब्लिश किया गया। सो द राइट ऑप्शन इज ई एम फॉस्टर। नेक्स्ट एम सी क्यूज इज मैन एंड सुपरमैन एंड आर्म्स एंड द मैन वर रिटन बाय। अब पीछे हम आर्म्स एंड द मैन के राइटर को भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा है, जो कि जी बी शाह ने लिखा था। सो मैन एंड सुपरमैन भी उसी ने लिखा है, दोनों प्ले हैं और दोनों जी बी शाह ने लिखे हैं। सो द राइट ऑप्शन इज जी बी शाह। नेक्स्ट एम सी क्यूज इज हु रोड द वेस्ट लैंड। अब वेस्ट लैंड एक पोइम है जिसे हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, एक लाइन हमारे सामने आई थी कि द अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ जो कि द वेस्ट लैंड से ली गई थी और द वेस्ट लैंड 1922 में पब्लिश की गई, जो कि टी एस एलियट की बहुत ही फेमस पोइम है। सो द राइट ऑप्शन इज टी एस एलियट। नेक्स्ट एम सी क्यूज इज हु रोट हार्ट ऑफ डार्कनेस। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनर और बिल गेट्स। तो बिल गेट राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट आंसर इज जोसेफ कॉनर। ये एक नॉवल है जिसे 1899 में पब्लिश किया गया और ये जोसेफ कॉनर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। सो द राइट ऑप्शन इज जोसेफ कॉनर। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु रोट वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। और फोर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, चार्ल्स डिकेंस, ई एम फॉस्टर, रूट जॉर्ज किपलिंग और विलियम शेक्सपियर। पहले तीन तो नॉवलिस्ट हैं, अब विलियम शेक्सपियर नॉवलिस्ट नहीं है, वो पोइट और प्लेराइट हैं, तो वो राइट ऑप्शन नहीं है। अब चार्ल्स डिकेंस और रूट जॉर्ज किपलिंग नॉवलिस्ट हैं, लेकिन राइट ऑप्शन ई एम फॉस्टर है। इस नॉवल को 1905 में पब्लिश कराया गया और इसका जो टाइटल है वो अलेक्जेंडर पोप के एसे एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म से लिया गया है। और इसी एमसीक्यूज के साथ आज हम इस एमसीक्यू सीरीज को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।